हेलो एवरीवन, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम लोग करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 30 एमसीक्यूज करेंगे हम लोग आज प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ उसकी 5 सेकंड के अंदर आप रिप्लाई करना कमेंट्स के अंदर, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। आपको पता भी चल जाएगा आपका आपकी जो है तैयारी कैसी है। उसके बाद आप अपना स्कोर लिखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन जो है आते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, बताइए। तो इनका आंसर है राष्ट्रपति। जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो है नियुक्ति करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से बताना है आपको, बताइए। इसका आंसर है लोकसभा। इनकी लोकसभा के लिए हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उसके बाद मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से तो आ गया लेकिन व्यक्तिगत रूप से बताना आपको किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो है हमारे राष्ट्रपति के प्रति। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है उसको, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति एक एक को अपॉइंट करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है हमारी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, बताना है आपको, जल्दी बताइए। ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे, आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। उसके बाद है, ऐसे कौन से प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसका आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे, ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है उससे पद त्याग करने वाला पहला मंत्री बताना आपको कौन था, ये थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है, ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, ये हुई है 3 की। 3 कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जिनकी 1964 के अंदर मृत्यु हुई थी, उसके बाद थे लाल बहादुर शास्त्री जिनकी 1966 में हुई, उसके बाद थे इंदिरा गांधी जिनकी 1984 के अंदर हत्या कर दी गई थी। ये हमारे 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके जो है पद पर रहते रहते, यानी कि ऑफिस के अंदर ही इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि पद पर रहते रहते इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कौन होता है भाई हेड मंत्रिपरिषद का, ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। आपको पता ही है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि हेड कौन होता है मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, ये चीज लागू होती है प्राइम मिनिस्टर पर भी। अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो ये जो इसका जो आंसर होगा उतने महीने तक, ठीक है, उतने महीने तक प्रधानमंत्री जो है रह सकता है। उसके बाद उसको कहा जाएगा कि आप या तो राज्यसभा की सदस्यता लीजिए और या फिर लोकसभा की। तो कितने महीने तक जो है कोई भी सदस्य रह सकता है वो बताना है आपको, वो रह सकते 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने तक जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो राज्यसभा की सदस्यता ले या लोकसभा की, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद है, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है,
किसके प्रति जो है ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, यानी कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। उसके बाद है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? बताने आपको, जल्दी बताइए। इसका आंसर है बी, 36, यानी कि 36 जो थे वो कुल सदस्य थे प्रधानमंत्री सहित, यानी कि प्रधानमंत्री भी उनके अंदर ही शामिल है। उसके बाद है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि सी ऑप्शन ठीक रहेगा। ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? कौन थे भाई? लॉ मिनिस्टर बी आर अंबेडकर। ये थे बी आर अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन मथाई। ये थे हमारे डॉक्टर जॉन मथाई जो वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे ये। उसके बाद मंत्री परिषद में कितने सदस्य के मंत्री होते हैं बताइए? ये होते हैं तीन। तीन कौन कौन से होते हैं पता हो आपको? बताइए। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। तीन टाइप के जो है तीन स्तर के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के अंदर। उसके बाद भारत के वे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है। 4 वर्ष उपरांत किसका आएगा? जिसका 29 फरवरी को होगा। 29 फरवरी को किसका जन्मदिन होता है? यह होता है भाई मोरारजी देसाई का। ये है मोरारजी देसाई। भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ? सबसे ज्यादा बार किसके शासन काल के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ था? वो था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम पर 49 बार जो है राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ था, 49 बार। ये थे इंदिरा गांधी। उसके बाद भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म क्रिसमस के दिन हुआ? इसका ऑप्शन रहेगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये है अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, यानी कि हेड होता है किसका? इसका मंत्रिपरिषद का। ये है अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 के तहत जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जो है हेड होता है। उसके बाद है, भारत के वह एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको अपने कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ, कौन थे भैया? से ये थे चंद्रशेखर, जो कि नवंबर के अंदर जो है नियुक्त किए गए थे, नवंबर से लेकर जून तक, यानी कि 15 अगस्त तो इनके कार्यकाल के बीच में आया ही नहीं, इसीलिए जो है इनको ऐसा गौरव प्राप्त हुआ ही नहीं। ये 15 अगस्त के दिन तक रहे ही नहीं है, यानी कि 15 ये नवंबर से लेकर जो है जून तक रहे थे। ये थे चंद्रशेखर। उसके बाद है, भारत के सबसे अधिक आयु 81 वर्ष में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। इसका सॉरी भाई आंसर ऐसे ही आ गया। उसके बाद भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्रीत्व कार्यालय में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया? किसने नहीं किया था भाई? ये थे चौधरी चरण सिंह, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। चौधरी चरण सिंह का क्या हुआ कि एक महीने के अंदर ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए जो है इनको संसद जो है लोकसभा में जाना ही नहीं पड़ा था उसके सेशन में। ये थे चौधरी चरण सिंह। भारत के सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उसके बाद भारत के किस प्रधानमंत्री को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है? ये थे भी हमारे मनमोहन सिंह। उसके बाद है विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये थे वीपी सिंह। उसके बाद है, भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह 13 दिन किस प्रधानमंत्री का था?
ये था भाई जवाहरलाल नेहरू। और आपको बताना है कमेंट के अंदर कि दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था। चलिए, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था? ये हुआ था 3 का, ये मैंने बता दिया। आप बताओगे कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ था। उसके बाद भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे भी गुलजारी लाल नंदा, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। ये है भाई गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य रहते हुए लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राज्यसभा से देखो इंदिरा गांधी भी, मनमोहन सिंह भी और HD देवगौड़ा, ये तीनों के तीनों जो है राज्यसभा के सदस्य रहते हुए जो है प्रधानमंत्री थे ये। तो इनमें से बताने कि राज्यसभा का सदस्य रहते हुए लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लगातार कौन थे ये? मनमोहन सिंह। उसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता भाई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ? ये दिलाते हैं ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हुआ। आज जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आप बताना आपका स्कोर कितना हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।